झारखंड को बनाने में निर्णायक भूमिका निर्मल महतो की है। जब निर्मल महतो की हत्या हुई थी उस समय निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष थे। केंद्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा नेता होता है पार्टी का, तो झारखंड के बनने में निर्णायक भूमिका अगर किसी की रही है तो निर्मल महतो की शहादत की रही है। अगर उनकी शहादत नहीं होती तो दिल्ली तक झारखंड का आक्रोश नहीं पहुँचता। झारखंड का आक्रोश अगर दिल्ली तक पहुंचा है तो निर्मल महतो के रक्त के कारण पहुंचा है। इसलिए सबसे पहले तो निर्मल महतो को शहीद का दर्जा दे राज्य सरकार। निर्मल महतो की जो मृत्यु हुई, शहादत हुई है, उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी रहे उसके लिए NI जांच की अनुशंसा करें केंद्र से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अभी विधानसभा परिसर बन के तैयार हुआ है, जिसमें कहीं अटल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है, कहीं भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, उसी क्षेत्र में निर्मल महतो की प्रतिमा होनी चाहिए। क्योंकि झारखंड में अगर सबसे बड़े शहादत किसी का गया है तो नो डाउट शायद निर्मल महतो गया है। आज जो स्थिति है पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य जी नहीं, क्या इन्होंने निर्मल के सपनों को बेचने का काम किया है। आज ये बड़ी बड़ी पंडालें, ये बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री का पोस्टर, ये होर्डिंग, ये महंगे महंगे खर्चे झारखंड के युवाओं के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं। जनता का विकास हो पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल मुख्यमंत्री और उनके परिवार का विकास हो रहा है, और ये गारंटी है, आप लिख के ले लीजिए। 10 साल बाद मुख्यमंत्री के पास, आज मुख्यमंत्री, उनके भाई, उनकी भाभी, उनकी पत्नी विधायक बन चुकी हैं। आप गारंटी इस बात की भी ले लीजिए, उनके ब्लड रिलेशन में फिर अगला जनरेशन में कोई ना कोई विधायक बनेगा। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होने वाला है, उसे सिर्फ शहादत दिवस पर याद किया जाता है, बस उसके अलावा कभी नहीं। और निर्मल महतो के वंशजों को तो उन्होंने इग्नोर ही कर दिया है। यही एक नेता है आस्तिक महतो करके, उनको JMM कभी टिकट नहीं देती है, क्योंकि निर्मल महतो के साथी हैं, निर्मल महतो के वंश से आते हैं, वो नहीं चाहते कि निर्मल महतो का वंश यहाँ आगे बढ़े। क्या उसके नाम पे सिर्फ राजनीति? केवल राजनीति, केवल बताए। आस्तिक महतो जैसा आप समीर मोहंती को लोकसभा का टिकट दे देते हैं, आस्तिक महतो क्यों नहीं देते हैं? चूंकि निर्मल महतो के वंशजों से ही मुख्यमंत्री को दिक्कत है, लेकिन फंस जा रहे हैं कि निर्मल महतो सबसे बड़ा शहादत निर्मल महतो केंद्र अध्यक्ष का मर्डर हुआ है, इसलिए फंस जाते हैं, इसलिए आते हैं श्रद्धांजलि देने। इनका बस चलते आते भी नहीं। यही चंपेश्वरन जी बगल में रहते हैं, बगल में सुनील महतो पार्टी के, वो भी CM फेंसते हैं, केंद्रीय मंत्री बनने वाले थे, उनकी माँ बगल में रहते हैं। आज तक चंपेश्वरन उनकी माँ को देखने नहीं गए हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं। आप लोग राजनीति में केवल अपने परिवार को क्या कीजिएगा? हम लोग झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी हैं, हर किसी को हम लोग सम्मान देंगे। झारखंड के जो युवा जिस सपने के साथ झारखंड राज्य बना है, युवाओं के लिए इस राज्य में रास्ता रहेगा। यहाँ के लोगों का बौद्धिक विकास कैसे होगा? देखिए, उसके लिए हमें रोड मैप बनाना होगा, उसके लिए हमें यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा, झारखंड के लोगों के अनुरूप हमको शिक्षा व्यवस्था को लेकर आना होगा। हम बार बार कहते हैं, हम विलियम डगलस की कहानी नहीं पढ़ने के इच्छुक हैं, हम झारखंड के अकॉर्डिंग हम एजुकेशन व्यवस्था को लेकर आएंगे, जो झारखंड के माइंड को, लोगों को माइंड में अट्रैक्ट करता हो, जो वो सुचारू रूप से अपने में ग्रहण कर सके। तो सबसे पहले बौद्धिक विकास चाहते तो आपको एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करना होगा। सही बात है, आज हमें एजुकेशन में जानबूझ के दफन किया गया है, ताकि यहाँ हमारे उद्योगों में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के लोगों का कब्जा हो। हमें उस एजुकेशन की धारा से जोड़ने का कार्य ही नहीं किया गया है, कैसे जुड़ेंगे भाई? आप अपने हमेशा अपने भाषण में निर्मल महतो, सुनील महतो का जिक्र करते हैं, उसके परिवार के लिए आपकी हमेशा बिल्कुल करते रहेंगे ना? देखिए, सबसे पहली बात, जब भी हम लोग आते हैं, सुनील महतो की माता से मिलके जाते हैं, और चूंकि निर्मल महतो का परिवार भी सरकार में है, तो मैंने उनसे, चूंकि सरकार में है, समझ सकते हैं आप। आज जो स्थिति है, ये कटकट योजना, ये सब योजनाएं जो धराधर ये बेकार की योजनाएं हैं, ये केवल और केवल चुनावी योजनाएं हैं। आप मैंने यहाँ की महिलाएं जिन्होंने अपने ससुर को खोया है, किसी ने अपने भैसुर को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, 1000 रुपये लेने के लिए बैंक में लाइन लगाएगी, वो आधार कार्ड लेकर वहाँ लाइन लगाने का काम करेगी, और आप यूपी, बिहार और राजस्थान वालों को रेवड़ी बांटने का काम करेंगे। शहीद निर्मल महतो जैसे झारखंड के अन्य आंदोलनकारी और शहीदों को साफ दरकिनार कर दिए गए, केवल मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ मजबूर है इसलिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अगर निर्मल महतो केंद्र अध्यक्ष पार्टी के नहीं होते, चूंकि झारखंड में अगर शहादत का नाम आता, पहला नाम निर्मल महतो का आता है, उसके बाद कुछ किसी का आता है। निर्मल महतो की शहादत दिल्ली तक पहुंची थी, 72 घंटे पूरा राज उथल पुथल हुआ था, तो इसीलिए मजबूरी में आते मुख्यमंत्री। नहीं तो मुख्यमंत्री ने ऐसा नैरो माइंड बना लिया है कि निर्मल महतो छोड़िए, सविता महतो की बात कीजिए। आप KD सिंह कौन था जी? पहले इतिहास जानिए झारखंड का, KD सिंह कौन था? आप उसको राज्यसभा का टिकट देते हैं, सविता महतो ऊपर जाके रोते हुए आती है। सुधीर महतो का 3 दिन होता है और सविता महतो रोती हुई आती है, तो मजबूरी है चाहे, इसीलिए उनका विधानसभा लड़ाया जाता है। KD सिंह कौन था? हु इज KD सिंह? पूछिए, दिल्ली में एक दिन मिलता है KD सिंह से, KD सिंह ये नाम भूल रहे हैं, एक दिन ही लोग मिलते हैं, राज्यसभा का टिकट देते, क्योंकि करोड़पति था। तो ये तो सिद्धांतों को बेच रही है धीरे धीरे, ये मजबूरी है। निर्मल महतो के शहादत दिवस के कार्यक्रम में आना मुख्यमंत्री की मजबूरी है। अगर ये पार्टी के केंद्र अध्यक्ष नहीं होते, ये नहीं आते। बच्चे इनकी कृतियों को जाने कैसे, इन जैसे जितने भी शहीद हैं? देखिए, उसके लिए जो भी हमारे सिलेबस हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हमें रेट ट्रेप क्यों पढ़ना, हमें विलियम डगलस की कहानी क्यों पढ़ना, हमें
इंग्लैंड के किसी राइटर की कहानी क्यों पढ़ना, हमें निर्मल बिरसा की कहानी पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, संथाली में पढ़ाइए, कुड़माली में पढ़ाइए, जिस भाषा में पढ़ाना है कोटा में पढ़ाइए, नागपुरी में पढ़ाइए, यहाँ के महापुरुषों की कहानी यहाँ की भाषा में पढ़ाई जाए, सिलेबस में बैठा के पढ़ाई जाए।